प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच गई। इसमें से 38 नए कोरोना पॉजिटिव केस भी शामिल हैं। इनमें से जोधपुर में 17, टोंक जिले की अगर बात की जाए तो 6, राजधानी जयपुर से 5, कोटा में 4, नागौर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव फिलहाल राजधानी जयपुर में ही है। यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 491 है। वहीं जोधपुर में 133, कोटा में 90, टोंक में 77, बांसवाड़ा में 59, बीकानेर में 35, झुंझुनू में 36, जैसलमेर जिले में 30, भीलवाड़ा में 28 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं। इसके अलावा प्रदेश में अब तक 16 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 1100 का आंकड़ा पार कर गई है पूरे प्रदेश भर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिवों की संख्या यहां पर 491 हो गई। सबसे ज्यादा प्रभावित जो प्रदेश का जिला है वो राजधानी जयपुर ही है। हालांकि पिछले दो दिनों की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर से राहत की खबर, यहां पर जितने केसेस जितनी बड़ी मात्रा में आ रहे थे उनमें थोड़ी सी यहां पर कमी जरूर देखने को मिली है। प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर बदस्तूर जारी है। इसको